स्टोर करते थे। इतने अक्लमंद थे और आज का आदमी पढ़ा लिखा भी अनपढ़ मूर्खों की तरह पानी वेस्ट कर रहा है। पानी सदा नहीं बरसता, सीजन पे बरसता है, मौसम पे बरसता है। ऐसे लक्ष्मी माँ की कृपा भी सदा नहीं होती, होती है कभी। जब हो जाए तो उस धन को धर्म से जोड़ लेना चाहिए, अच्छे काम कर लेना चाहिए। कभी भी हमें अपने धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्यर्थ में गाड़ी घोड़ा की जरूरत नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। व्यर्थ के खर्चे से बच सको तो बचना चाहिए, है ना मैया? साड़ी 100, 200, 500 की पहनो, 1000 तक की पहनो। 10-10 हजार की साड़ियों में कपड़े एक बार पहनने के बाद दोबारा काम नहीं आता, इसलिए सस्ते पहनो बार बार। 20 हजार की एक साड़ी एक ही बार पहनोगी, पर 1-1 हजार के 20 खरीद लोगी तो 20 बार पहन लोगी। समझदारी क्या है आप समझो। अरे भगवान ने आपको खूब दिया, हम कहते हैं आपके कमरे पैसे से भरे हो, भगवान करे अरबों की संपत्ति आपकी हो, खूब पैसा हो, फिर भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मेरा मानना। आपके पास बहुत पैसा होए तो भी पैसे का दुरुपयोग, यदि आपने जरूरत से ज्यादा पैसे का दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं कि आए तुझे तुम्हारे घर, तुमने उल्टी काम किए जा रहे हैं काटा, फिर क्या करोगे, कटोरा लेके बाहर आ जाओ। इसलिए ज्यादा व्यर्थ में नहीं, जो जरूरत की चीजें हैं वो तो होनी चाहिए, क्यों मैया? जरूरत से ज्यादा फिर परोप, ज्यादा धन है तो फिर उसे परोपकार में लगाओ, सेवा में लगाओ, पुण्य करो, है ना? पुण्य करने से क्या होगा, पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीजिए यही सयानो काम। नाव में पानी भरने लग जाए तो जल्दी से उलीछना शुरू कर दो, वरना वो नाव का पानी तुम्हें डुबा देगा। वो घर में ज्यादा पैसे आने लग जाए तो दोनों हाथ से दान पुण्य करना शुरू कर दो, नहीं वो धन तुम्हें डुबा देगा, धन डुबा देगा। इसलिए धन आवे तो धर्म करो। धन आए तो मैया, धन आएगा तो क्या करोगी मैया, बोलो मेरी माँ, धन आएगा तो क्या करोगी, धर्म करेंगे। धन से क्या होता है, धर्म, और धन से अधर्म भी होता है। समझदार हैं आप तो पैसे